हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, कब्जा का टाइटल ट्रैक रिलीज हो गई है दोस्तों आज, और आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे टॉम और जेरी बॉय। जेरी बॉय, कब्जा के फॉर कनाडा यस आ चुकी है, जो कि टाइटल ट्रैक है। चलिए आपसे जानेंगे कि आपको कैसी लगी ये सॉन्ग, तो चलिए आप बताइए। कब्जा जो द टाइटल ट्रैक, उपेंद्र सर, किच्चा सुदीप सर, लिरिक्स ऐसा बना है, हिंदी में लोग भी देखना चाहिए और कन्नड़ में भी देखने चाहिए लोग। मिक्सर मतलब पूरा लिरिक्स बना के गाना बनाया, मतलब पूरा। पर गाने में ऐसा नहीं कि सिर्फ लिरिक्स ही आ रहे, उपेंद्र सर का स्वैग, अरे मज़ा आ गया। मतलब रुका नहीं जा रहा कि कब 17 मार जाए और टूट पड़े पिक्चर पे जाके। पहली बात बोलेगा, ये जो गाने का जो बताया, मतलब जो रवि बासु ने बनाया गाना, केजीएफ माफी फील हुआ पूरा, क्योंकि यहाँ पे जो लिरिक्स उन्होंने बनाया ना, सेम मतलब होता है केजीएफ की फीलिंग प्लस वो माँ का एक सीन आता है लिरिक्स के अंदर, वो भी एक ऐसा लग रहा है कि वो जैसे केजीएफ में माँ का रोल था वैसे भी यहाँ पे भी है। और जिस तरह का स्वैग बताया वो भी सेम, मतलब केजीएफ माफी की लगा मुझे पूरा। तो गाना एक और मतलब ऐसा मतलब लगा कि किसी जगह पर हम लोग को वो जब सलाम रॉकी भाई लगते हैं ना, वैसा फीलिंग आ रही। कुछ जगह पर सुल्तान का फीलिंग आ रहा, सुल्तान वाला लग रहा है। तो ऐसे मतलब पूरा मिक्सर बना के ऐसे गाना बनाया और इतना मज़ा आ रहा है ना सुनने। बोले कि यार थिएटर में स्पीकर फाड़ देगा ये गाना जब आएगा ना एंट्री में, जो बार बार बीजीएम बजे, जैसे केजे में कैसे बार बार बीजीएम बजता था सुल्तान सुल्तान, वैसा ये मतलब बोले ना भाई 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 भाई, भाई, भाई यस। और ये साल का मतलब कब्जा मतलब बोलता केजे होएगा इधर इंडिया में, मतलब तूफान मचाएगा। हालांकि उपेंद्र सर की पहली पिक्चर जो आ रही है पैन इंडिया, और मतलब जैसे यश, किसी को यश को भी कोई जानता नहीं था, फिर बाद में कैसे पैन इंडिया स्टार बने, वैसे उपेंद्र सर बन सकते हैं वो लेवल के अगर पब्लिक का सपोर्ट हो। तो मेरा पब्लिक को बोलेगा यार कब्जा मिस मत करो 17 मार्च का, 17 मार्च को से वो उनकी अकेले की फिल्म आ रही है, बॉलीवुड के भी कुछ भी नहीं है 17 मार्च को। तो मैं तो बोलता है खास देखो पब्लिक की मूवी, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यार कनाडा ऐसा धूमधड़ाका जैसे पिक्चर, अभी हालांकि अभी क्रांति देख के आए थे हम, वो लोगों ने तो हम लोगों को स्कैम किया हिंदी में बोल के, हिंदी में निकाला नहीं, कनाडा ने से देखा, फिर भी लैंग्वेज समझाने पर स्टोरी कॉन्टेंट क्या था, मज़ा आ गया देखने। स्वैग दर्शन सर की, दर्शन पहली पिक्चर बड़े पर्दे पर देख के, ऐसे उपेंद्र सर की पहली पिक्चर देखी है, तो मज़ा आएगा है। मतलब एक गाना सुन के और मतलब बोलो ना घुसबम आ रहा है ना, घुसबम वैसा फील हुआ, इतना अंगार वाला गाना है। वैसे भी ये पार्ट वन आने वाला है, पार्ट टू भी आएगी, पार्ट टू क्या है, वैसे ही जैसे अभी केजीएफ बना था वैसे ही। पर अभी मैं ऐसे ऑडियंस के बोले जैसे केजीएफ टू को कैसे आपने पार्ट में प्यार दिया और केजीएफ वन को कम प्यार दिया, वैसे ये पार्ट वन से प्यार देना चालू करो, क्योंकि ये भी रुकने वाला नहीं है। और उपेंद्र सर का स्वैग तो यार हटके, वो तो आपने छोटा सा टीजर में देखा था, वो बीजीएम के साथ में उनका जो स्वैग था, उनका जो एक्टिंग लेवल था, कुछ डायलॉग नहीं दिया है टीजर में, फिर भी क्या स्वैग, मज़ा आता है देखने, बार बार देखता हूँ मैं तो। अब ये गाना भी निकाला टाइटल ट्रैक, मज़ा मतलब सीधा टाइटल ट्रैक ही निकाला कब्जा का, और नाम दिया भाई भाई, मतलब बहुत ही मज़ा आ गया। अभी तो मेरे को वेट कर रहा है, अभी तो ट्रेलर का बहुत वेट कर रहा है, ट्रेलर लगता है अभी तो फेब के या मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा, इतना जल्दी तो निकालेंगे नहीं, गाना ही सब निकालेंगे पहले, क्योंकि वो लोग साउथ में लोग करते पहले गाने निकालते बाद में वो लोग ट्रेलर निकालते। तो सच में हालांकि गाना बहुत अच्छा लगा एकदम, बोले तो यार मतलब बोले ना वाइब अच्छा लग रहा है गाना सुन के, कि यार बार बार सुने तो बस यही मज़ा आ रहा है। अभी बाकी ट्रेलर का वेट करते हैं। और उपेंद्र सर यू आर स्मार्ट यार, क्या स्वैग, पूरा कोट वाला सीन जो ऐसे उड़ाते यार, हमारे शिवाजी द बॉस रजनीकांत की याद दिला दी हमने सच में। बाकी जेरी भाई, कब्जा द टाइटल ट्रैक अभी जो निकली है सॉन्ग बहुत खतरनाक है, मतलब अंगार सब कुछ बोल सकते हैं, इनफैक्ट बोलो ना केजीएफ का सॉन्ग है वही याद दिलाया, बट लिरिक्स भी खतरनाक लगा, पर लास्ट में जो भाई भाई पाया था ना वो मजा है सुन के। और ये जब गाना आएगा ना थिएटर फाड़ देगा, स्पीकर फाड़ देगा थिएटर का, थिएटर में पब्लिक खड़े होके सीट तोड़ देगी मेरे को लग रहा है, ऐसा नाच नाच के इतना पागल होंगे जब ये, इनफैक्ट ये टाइटल ट्रैक है सोचो, वो भी उपेंद्र का, और जिस तरीके से लिरिक्स वीडियो देखा है ना वो भी मजा है हमको देख के, कसम से बहुत मजा है। सबसे भारी लास्ट में जो शूटिंग का सीन दिखाया, वो लोकेशन देख के ना मेरे को बहुत मजा आया। और इसमें कहीं ना कहीं ना इसमें लिरिक्स वीडियो में ना जहाँ पे उपेंद्र ऐसा लोखंड लेके पकड़े थे ना, मेरे को मेरा बाप का याद दिला, जब बचपन में मार खाता था ना बंक करके आता था तो दरवाजे पे खड़े रहते झाड़ू पकड़ के, उसमें भी उपेंद्र ऐसा लोखंड पकड़े खड़े रहे। वो बाप का स्टाइल है, भाई का स्टाइल है, ये उपेंद्र का स्टाइल है, मेरा बाप का स्टाइल झाड़ू लेके खड़ने सीधा खड़ा रहने का, किधर गया था रे क्लासेस गया कि नहीं, सीधा फंड बजा देने का, तो वैसा मेरे को याद है, ऐसा याद है मेरे को तो वैसा मेरे को अच्छा लगा। बट वीडियो एट लास्ट बोलो ना खतरनाक अंगार तूफान, सच में बहुत मजा आया भाई भाई भाई, मतलब मार्च में आ रही है तो कसम से उस बोलते ना अभी तो आर चंद्र ने तो पूरा मतलब प्रशांत नील से ट्यूशन लिया है, बोला तू बता केजीएफ कैसा बनाया, मेरे को कब्जा बनाने का तू बता मेरे को, कब्जे के भी पार्ट्स आ रहे अभी सुनने में आया तो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बढ़ते यार। अभी कब्जा वन के लिए तो देख ही रहे कितना चर्चे में चल रहा है,
और स्पेशली हर कन्नड़ एक्टर ने अपना नाम कमा लिया। yes. वो भले यश हो या कोई भी हो, अभी उपेंद्र भी नाम कमाएगा अपना। yes. सही में, क्योंकि कन्नड़ इंडस्ट्री है ना एकदम अलग ही लेवल के नशे हम लोग। ऐसा मूवी बना था ना कि पब्लिक को नशा होना ही चाहिए, और वो नशा है ना 2-3 महीने तक उतरेगा नहीं। yes. और कब्जा भी वैसे होने वाला है। मैं बोला ना मैक्स टू मैक्स 2 महीना आराम से चलेगा ये। बस पब्लिक का सपोर्ट हो, 2 सपोर्ट आराम से मजा आएगा। केजीएफ वाली फीलिंग अगर आपको लास्ट ईयर जो एंजॉय किया था, आपको कब्जा फीलिंग दी गई है। तो यश के यहाँ पे हमारा उपेंद्र सर है, क्योंकि उनका स्ट्राइक भी अलग उपेंद्र सर का। और क्या स्मार्ट दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं, फुल स्मार्ट। सूट में जब आते हैं ऐसा लगे 90s का हीरो को आया यार, वैसा फीलिंग है। बहुत लोग को ये पता भी नहीं रहेगा, जो लक्ष्मी जो अक्षय कुमार ने बनाया था मूवी यहाँ पे OTT पे रिलीज हुआ था, और कंचना जो हमारे लॉरेंस सर ने बनाया था, सबसे पहला उपेंद्र ने बनाया था कन्नड़ में, वहां से फिर कंचना रीमेक हुआ, कंचना से फिर लक्ष्मी में रीमेक कन्वर्ट हुआ। तो उपेंद्र सर ये जो सबसे पहला लक्ष्मी निकालने वाले, और उन्होंने काम भी अच्छा किया था, पिक्चर देखे बहुत स्मार्ट बनाया था, क्या स्मार्ट दिखते थे उसमें उनके पुराने टाइम का लुक था। वो पुराने टाइम का लुक, सेम लुक, वही लुक सेम इसमें था, बट थोड़ा अलग है, और सेम हेयर स्टाइल वही पिक्चर में रखे थे, क्या स्मार्ट दिख रहे थे, मजा आया, अच्छे दिख रहे, स्मार्ट दिख रहे। चलिए एंड में जाते जाते अगर रेटिंग देना तो कितना दोगे आप इस सब? पूरा मतलब बोले तो कुछ मतलब वीडियो में था ही नहीं, पर गाना सुन के एकदम मजा आ गया। मतलब जैसा ये मजा मानो कबाइल, हम लोगों ने KGF का सुल्तान, तूफान, ये सब गाने सुने थे ना, सलाम रॉकी भाई, कैसा फील हुआ था हम लोगों को, वैसा ये फीलिंग दिला दिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2023 कनाडा इज अगेन लोडिंग ब्लॉकबस्टर, जैसे KGF 2022 में फोड़ डाला, सबको फोड़ डाला, वैसे ये कब्जा फोड़ेगा, कब्जा मुंह बंद कराएगा सबका। हाँ, कब्जा मुंह बंद कराएगा, लिख के ले लो बस। केफो कनाडा, केफो कब्जा, केफो खतरनाक। थैंक यू।